everyone, assalamu alaikum my all YouTube family. How are you guys? I hope you all are doing well and alhamdulillah. So welcome back to my another video. So this video I am gonna tell you about what is a plantar fasciitis and what is the symptoms and what is the causes and what is the treatment of plantar fasciitis. So let's start the video. Okay, so आजकल सबसे common जो पाया जा रहा है वो है heel में pain या एड़ी में दर्द. मोस्टली कॉमन जो होता है वो 30 से लेकर 50 साल की जो फीमेल होती है उनमें देखने को ये चीज़ मिलता है. और हमारा जो हील में पेन होना है होता है उसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि हमारे हील में मौजूद प्लांटर फेसिया के टाइट होने से जो हमारा हील होता है उनमें पेन होने लगती है, या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के कारण भी मसल्स के कारण भी हील पेन होने लगता है. जैसे ही आप सुबह उठते ही अपने बेड से पैर को नीचे रखते हो तो वहाँ बहुत तेज़ी से हील पेन होता है. तो आइए जान लेते हैं कि प्लांटर फेसियाइटिस क्या होता है. तो प्लांटर फेसियाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन द बैंड ऑफ टिश्यू इन द फुट दैट सपोर्ट योर आर्च एंड कनेक्ट टू योर हील. अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में. तो सिम्टम्स वही है कि आपका हील पेन होगा विथ वेट बियरिंग. वेट बियरिंग ज़्यादा होने की वजह से भी हील पेन होता है, और जैसे और वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है. जैसे ही आप अपना फर्स्ट स्टेप बेड से अर्ली मॉर्निंग में रखते हो तो वो क्या होता है, वहाँ हर्ट्स होता है, वहाँ पेन होता है. तो अब बात करते हैं हम काउजेस के बारे में. तो कोई ऐसा पर्सन है जिनकी जॉब जो होती है बहुत ज़्यादा, जिसमें चलना पड़ता है, स्टैंडिंग होके काम करना पड़ता है खड़े होके, और हार्ड सरफेस पे काम करना पड़ता है, तो उन्हें प्लांटर फेसियाइटिस होने की चांसेस होती है. और जो रनर होते हैं, एथलीट होते हैं, उन्हें भी प्लांटर फेसियाइटिस होता है. और अगर किसी की चलने की जो पुअर फ्लेक्शन होता है उसके वजह से भी प्लांटर फेसियाइटिस होता है. प्लांटर फेसियाइटिस के बहुत सारे काउजेस हैं. अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हाउ कैन आई ट्रीट प्लांटर फेसियाइटिस. हमें प्लांटर फेसियाइटिस को कैसे ठीक करना है, कैसे ठीक कर सकते हैं. तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रीटेड कंजर्वेटिवली विदाउट सर्जरी. हमें हमेशा क्या करना है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, सर्जरी को क्या करना है, इग्नोर करना है. और उसमें आइसिंग कर से मसाज करना है हील पे. और मेडिकेशन की बात करें तो हमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन लेना है, जिसमें आपके एडविल हो गए, मोट्रिन हो गए, और ऐसे सूज़ को इंसर्ट करना है अपने जो अच्छी आर्च की हो, सपोर्टेड हो. और बात करते हैं इसके कि और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करना. तो आपको क्या करना है कि कुछ एक्सरसाइजेज है जिसे फॉलो करना है, जिससे आपको प्लांटर फेसियाइटिस जो है उसमें रिलीफ मिलेगा. आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट है वो है एचिलस का स्ट्रेच करना, सेकंड जो है हमारा प्लांटर फेसियाई मसाज करना है, थर्ड जो है सोलियस मसल स्ट्रेच, फोर्थ जो है प्लांटर फेसिया स्ट्रेच, फिफ्थ जो है टॉवल टोए कर्ल्स, एंड सिक्स जो है टोए एक्सटेंशंस है. आप इसे फॉलो करके प्लांटर फेसियाइटिस जो है उसे ठीक कर सकते हो. अब बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की. तो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में है वो है, सबसे पहले आपका है अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी कर सकते हैं अप्लाई, फोनोफोरेसिस भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड जो है हमारा, थर्ड जो है हमारा वो है आयोनोफोरेसिस, और फोर्थ जो है हमारा कॉन्ट्रास्ट बाथ. कॉन्ट्रास्ट बाथ एक तरह से होम रेमेडीज़ की तरह भी काम करता है. इसे क्या करना है, आपको दो बाथ लेना है, एक में कोल्ड वाटर रखना है और एक में हॉट वाटर रखना है. इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस को अब करते हो तो आपको क्या होता है, हील पेन से रिलीफ मिलती है. अब बात करते हैं हम मैनुअल थेरेपी की. तो मैनुअल थेरेपी में क्या होता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मैनुअल थेरेपी देते हैं, आपके टेलोक्रूरल जॉइंट और पोस्टेरियर ग्लाइड कराते हैं, जिससे आपको प्लांटर फेसियाइटिस जो है उसे ठीक हो जाता है और रिलीफ मिलता है. और अब बात करते हैं हम काफ मसल स्ट्रेच करने की. तो काफ मसल स्ट्रेचिंग जो है उसे 3 times करना है आपको दिन में. और इससे क्या होता है, इससे भी आपको प्लांटर जो है फेसियाइटिस जो है वहाँ रिलीफ मिलेगी. और प्लांटर फेसियाई के स्पेसिफिक स्ट्रेच करते हैं. इसमें क्या करना है कि सिटिंग पोजीशन में बैठ के पेशेंट का जो प्लेस करना है फिंगर को, और उसको हैंड से क्या करना है, उसे अक्रॉस करना है टोइस की तरह. और इसमें क्या होता है कि
टॉयज को बैक करना है, पुल करना है, जिससे आपको प्लांटर फेसियाइटिस से रिलीफ मिलेगा। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जैसे कि टेपिंग करना, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ से के लिए हम यूज़ करते हैं टेपिंग का। ऐसे आप देख सकते हो पिक्चर में कि जहाँ जहाँ पेन होता है वहाँ वहाँ हम टेपिंग कर देते हैं, जिससे पेन से रिलीफ होता है। अब बात करते हैं कि ऑर्थोटिक डिवाइसेस की, तो हमें हमेशा क्या करना है, हील कप्स वाले जो होते हैं उसे यूज़ करना है, विस्कस प्लास्टिक हील पैड यूज़ करनी है, और बहुत सारे ऐसे प्री फैब्रिकेटेड एंड कस्टम मेड ऑर्थोसिस होते हैं उन्हें यूज़ करना है। अब बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट थेरेपी की, तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पेन की पॉइंट होती है वहाँ पे से ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं नाइट स्प्लिंट्स की, तो इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स जैसे आता है 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें क्या करता है हमें एक वियर करते हैं स्प्लिंट को फर्स्ट से थ्री मंथ के लिए। आई गाइस, सो दिस वीडियो इज़ कमिंग टू एन एंड, होपफुली यू एंजॉय द वीडियो। So please hit the thumbs up button if you haven't already subscribed to the channel and share this with your non-medical friends, with your engineering friends, with your family friends. Then stay safe, stay healthy and stay happy my dear friends. I will see you soon. Allah Hafiz, take care. Tab tak khyal rakhe apna, duaon mein yaad rakhe. Aur please video ko jitna ho sake utna share kare. Thank you so much to all of you.